हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 21 जून 2022 और हमारा जो अब ट्रिप है वह है मंदसौर का। तो कल हम लोग निकल चुके थे रिंगस से मंदसौर के लिए, आज मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिंगस के बाद में जो मंदसौर का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत है, बढ़िया है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के। जी हाँ, जो नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है वो इंडिया में भी एक यहाँ पर मंदसौर में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज दर्शन करते हैं पशुपतिनाथ के। उससे पहले आप यहाँ देखिए, इसका जो रेलवे स्टेशन काफ़ी बढ़िया है। तो भाई ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ आप देख सकते हैं मंदसौर रेलवे स्टेशन। चलिए, यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है, काफ़ी बढ़िया है, खूबसूरत है। तो वहाँ पर आप विज़िट करेंगे।
गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पर मंदिर में आ गए हैं। काफ़ी बड़ा ये टेंपल है और पशुपतिनाथ जी के अष्ट मुख यहाँ पर आपको देखने को मिले। नेपाल में आपको दूर से दर्शन होते हैं और यहाँ पर बढ़िया पशुपतिनाथ जी के अंदर से दर्शन हो जाते हैं। आप छू भी सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। और सब में अच्छी बात यह है कि यहाँ आप देखेंगे जस्ट पीछे में मंदिर के जस्ट बगल में ही नदी है और इस नदी का नाम सिवना नदी है। कहा जाता है 99 नदी जो है उसका पानी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, मतलब यहीं से जाता है। तो यहाँ का जल जो है बहुत पवित्र माना जाता है। तो टोटल 100 नदी में से 99 नदी इस सिवना नदी से जुड़ी हुई है। तो इसकी जो कथा है काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं।